आज की डेट में सबसे बड़ी इशू नेम रिजर्वेशन को लेके है। अगर आप 10 कंपनी के लिए अप्लाई करोगे तो 8 कंपनियों में मिनिस्ट्री के साइड से आपको नेम रिजेक्शन आएगा आएगा। नेम रिजेक्शन में 3 पॉइंट आते हैं। एक तो आपने जो नेम दिया है वो सिमिलर टू रिजेंबल करता है, रिजेंबलिंग की कैटेगरी में आ रहा है, सिमिलर टू अदर कंपनी है, ठीक है, और रिजेंबल की डेफिनेशन उनके लिए बहुत लार्ज है, ठीक है। दूसरा है कि जो आपने प्रिफिक्स दे दिया है नेम का, वो प्रिफिक्स किसी ट्रेडमार्क का है, यानी कि कोई वो ट्रेडमार्क ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है या सब्जेक्टेड टू रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। तीसरी, आपने जो नेम अप्लाई किया उससे बिल्कुल मिलता जाता है या सेम उसी टाइप का नाम। तो जब भी आप नेम अप्लाई करो, ये फॉर्म तो बड़ा छोटा है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नेम रिजर्वेशन को लेना, ठीक है, यानी कि मिनिस्ट्री मुझे मेरा नेम अप्रूव कर दे। कंपनी के साइड से ये 2 नेम आए हैं मेरे पास कि भाई ये 2 नेम मेरे लिए अप्लाई, ठीक है, ये 2 नेम मेरे लिए अप्लाई कर दो, ठीक है। तो अब मुझे इसको अप्लाई करने से पहले, मुझे इसको अप्लाई करने से पहले कुछ चीजें करनी है। सबसे पहले क्या करना है, मुझे ये देखना है कि क्या ये मुझे नाम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज हमारी क्लास 4th क्लास है, ठीक है, और आज का की क्लास का टॉपिक है रिजर्वेशन ऑफ न्यू नेम। रिजर्वेशन ऑफ न्यू नेम, जिन्होंने कंपनी नहीं बनाई है उनके लिए सबसे पहला स्टेप है, और जिन्होंने जो कंपनी बनाते हैं उनके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि उनको जानना जरूरी होता है, तो उसको वो भी देख सकते हैं। जब भी हम नई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं या लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं या सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो सबसे जो पहला काम होता है वो नेम को रिजर्व करना होता है ना, यस सर। राइट और नॉट रॉन्ग? सबसे पहला काम क्या होता है कि आपको अपना नेम मिनिस्ट्री से रिजर्व कराना होता है, जी ताकि आपको एक बार अप्रूवल मिल जाए, उसके बाद आप इनकॉर्पोरेशन कर सके, ठीक है। दूसरा, अगर आप डायरेक्टली मिनिस्ट्री में इनकॉर्पोरेशन के लिए जा रहे हो, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन के लिए, तो आप फर्स्ट पार्ट जो फॉर्म का भरते हैं वो भी नेम रिजर्वेशन फॉर्म ही होता है। जब हम कंप्लीट एक अगर अप्लाई करते हैं फॉर्म को अलोंग विद द डॉक्यूमेंट, मतलब नेम रिजर्व भी अप्लाई कर रहे हैं और साथ में हम कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, तो भी मिनिस्ट्री सबसे पहले आपका नेम रिजर्वेशन फॉर्म चेक करेगी पहले, ठीक है। अगर उसमें उनको कोई एरर मिल गया तो वहीं से रिजर्वेशन डाल देती है, वो आगे भी नहीं बढ़ती, ठीक है। तो हम आज सीखेंगे नेम को आपको रिजर्व कैसे करना है, और नेम रिजर्वेशन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि नेम रिजर्वेशन का प्रोसेस क्या है। नेम रिजर्वेशन के लिए आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको साइन इन करना है। कंपनी का जो रिजर्वेशन पोर्टल है या कंपनी इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड पोर्टल है वो अभी भी पुराना ही पोर्टल है, इसलिए आप लॉग इन टू कंपनी फाइलिंग करोगे, ठीक है, कंपनी टू फाइलिंग, और यहाँ पे अपना आप यूजर आईडी एंड पासवर्ड इंटर करोगे, कैप्चा को वेरीफाई कराइए, फिर साइन इन के बटन पे क्लिक करें, क्लियर है। अब यहाँ पे आपके पास एमसीए सर्विस है। एमसीए सर्विस के अंदर ये फॉर्म आ रहा है स्पाइस, स्पाइस प्लस का, ठीक है। कोई भी नई कंपनी की इनकॉर्पोरेशन अब स्पाइस प्लस फॉर्म्स के थ्रू होती है, जो कि पूरी तरह ऑनलाइन फॉर्म है, ठीक है। आपको ये ऑनलाइन फॉर्म पहले फिल करना है, फिर उसे डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करके डीएससी लगानी है, फिर वापस इसे आप अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आपको ये फॉर्म यहाँ पे फिल करना है, तो फॉर्म को फिल करने के लिए सिंपल सी बात है, आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए। दूसरा, आप यहाँ पे देख रहे होंगे रन रिजर्व यूनिक नेम, ये आप तब यूज करेंगे जब आप किसी कंपनी के नेम को चेंज कर रहे हैं। ये जब आप तब यूज करेंगे जब आप किसी कंपनी के नेम को चेंज कर रहे हैं, ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, अगर उसके नाम को अगर आपको चेंज करना है तो आप ये वाला रन यूनिक नेम, ये ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है फॉर द चेंज ऑफ नेम ओनली, ठीक है, क्लियर है। ये वाला आपको नहीं यूज करना, आप किसे यूज करेंगे, नए इनकॉर्पोरेशन के लिए स्पाइस प्लस, ठीक है। तो नया हमें नाम अप्लाई करना है या नई कंपनी बनानी है तो लॉग इन करने के बाद एमसीए सर्विस में जाइए और स्पाइस प्लस फॉर्म पे क्लिक कीजिए। यहां तक क्लियर है? तो आपके पास ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास गिवन है न्यू एप्लीकेशन और एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन,
ठीक है, फर्स्ट टाइम आप कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो अपनी न्यू कंपनी के लिए, तो आप न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे, ठीक है, और यहाँ से आपको ये छोटा सा फॉर्म फिल करना है, ठीक है। छोटा सा फॉर्म में आपके पास ये सारे टैब हैं अलग अलग, जो कि आपको सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहले सेलेक्ट करना है आपको अपना टाइप ऑफ कंपनी, फिर आपको सिलेक्ट करनी है अपनी क्लास ऑफ कंपनी, और फिर कंपनी का कैटेगरी, उसकी सब कैटेगरी, फिर कंपनी का मेन डिवीजन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कोड बताना है आपको, फिर आपको ब्रीफ यहाँ पे अपना यहाँ जो ये जो चूज करोगे इसमें आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और फिर आपको ब्रीफ अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिफाइन करना है, दो प्रपोज नेम आपको यहाँ देने हैं, और यहाँ पे अपनी जो मेन ऑब्जेक्ट है कंपनी में जो बनाने वाले हो, एक्चुअली जब इनकॉर्पोरेशन अप्लाई फाइनली जाएगी तो यहाँ पे वो मेन ऑब्जेक्ट आपको री अटैच करना है इन पीडीएफ, ठीक है। जैसे ही आप ये फॉर्म पूरा फिल करोगे, ठीक है, उसके बाद इसे ऑटो चेक करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के लिए आई है, ठीक है, जिसका नाम है यंग एस, मैं यहां लिख रहा हूं आपको आपके लिए, यंग एस रियलिटी, ठीक है, रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये नेम मेरे पास रिजर्वेशन के लिए आया है, मेरे को एक कंपनी का अप्लाई करना है। दूसरा है यंग एस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो जब भी आपके पास कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के लिए आए, तो आपको इनकॉर्पोरेशन से पहले दो काम करने हैं, ठीक है। पहला काम आपको करना है कि क्या ये नेम एज पर द नेम रिजर्वेशन रूल 2014 अलाउड है, ठीक है, या नहीं है, ठीक है। दूसरा काम ये करना है कि आपको चेक करना है ट्रेडमार्क कि कंपनी का जो सफिक्स नेम है, सॉरी कंपनी का जो प्रीफिक्स नेम है, जो स्टार्टिंग वर्ड है, क्या एक ट्रेडमार्क सब्जेक्टेड टू ट्रेडमार्क है, क्या एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, या वो सब्जेक्टेड टू रजिस्ट्रेशन, यानी कि उसकी एप्लीकेशन फाइल है, वो इन प्रोसेस में, ठीक है। यही ये दो चीज चेक करने के बाद आप तीसरी चीज चेक करोगे कि क्या जो नेम आपके पास आया है वो मिनिस्ट्री के साइट पे अवेलेबल है भी है या नहीं है, क्या उससे सिमिलर नेम ऑलरेडी मिनिस्टर पे रजिस्टर है, या सिमिलर कह लो या बिल्कुल सेम नेम ऑलरेडी मिनिस्ट्री पे रजिस्टर है। तो अगर आप इन तीन चीजों को देख के अगर नेम रजिस्ट्रेशन अप्लाई करोगे तो आपको आसानी से नेम अप्रूवल आ जाएगा। आज की डेट में सबसे बड़ी इशू नेम रिजर्वेशन को लेके है। अगर आप 10 कंपनी के लिए अप्लाई करोगे तो 8 कंपनियों में मिनिस्ट्री के साइड से आपको नेम रिजेक्शन आएगा। नेम रिजेक्शन में 3 पॉइंट आते हैं। एक तो आपने जो नेम दिया है वो सिमिलर टू रिजेंबल कर रहा है, रिजेंबलिंग की कैटेगरी में आ रहा है, सिमिलर टू अदर कंपनी है, ठीक है, और रिजेंबल की डेफिनेशन उनके लिए बहुत लार्ज है, ठीक है। दूसरा है कि जो आपने प्रीफिक्स दे दिया है नेम का, वो प्रीफिक्स किसी ट्रेडमार्क का है, यानी कि कोई वो ट्रेडमार्क ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है या सब्जेक्टेड टू रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। तीसरी, आपने जो नेम अप्लाई किया उससे बिल्कुल मिलता जाता है या सेम उसी टाइप का नाम है। तो जब भी आप नेम अप्लाई करो, ये फॉर्म तो बड़ा छोटा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नेम रिजर्वेशन को लेना, ठीक है, यानी कि मिनिस्ट्री मुझे मेरा नेम अप्रूव कर दे, क्योंकि नेम अप्रूव हो गया तो कंपनी जरूर अप्रूव हो जाएगी। तो मेरे को दो नाम मिले हैं, मैं इसको नोट कर लेता हूं। तो हमारी कंपनी, दो कंपनी में नेम अप्लाई करनी है, एक यंगेश रियलिटी और दूसरा यंगेश इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी के साइड से ये दो नेम आए हैं मेरे पास कि भाई ये दो नेम मेरे लिए अप्लाई, ठीक है, ये दो नेम मेरे लिए अप्लाई कर दो, ठीक है। तो अब मुझे इसको अप्लाई करने से पहले कुछ चीजें करनी है। सबसे पहले क्या करना है, मुझे ये देखना है कि क्या ये मुझे नाम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नाम मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका पहला स्टेप है कि पहले तो आप ये चेक करोगे कि क्या इससे सिमिलर कोई कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है, इस नाम से। तो मैं इस चेक कंपनी सर्विस का यूज करता हूँ, वहां जाओगे MCA चेक कंपनी नेम, ठीक है। फिर यहाँ पे आप इसे डालोगे अपनी कंपनी का प्रीफिक्स नेम, ठीक है, यंग एज, ठीक है। मैंने यहाँ पे सर्च किया तो मुझे दिखा ये तीन नाम है, यंगेस्ट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, यंगेस्ट इंपैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, और तीसरा है यंगेस्ट प्लास्टिक फाइबर लिमिटेड, ठीक है, प्लास्टिक एंड फाइबर लिमिटेड।
अब मुझे ये भी देखना है कि इसके प्रीफिक्स, ये जो प्रीफिक्स है इसके आगे का जो वर्ड है क्या मेरे नाम से मैच करता है। तो यहाँ पे यंगेस्ट ग्लोबल है, इंटेक्स है और प्लास्टिक है, ठीक है। तो यंगेस्ट तो मैच कर रहा है, लेकिन कोई भी ऐसी कंपनी रियलिटी में नहीं बनी है, उस मेन ऑब्जेक्ट्स में वो कंपनी नहीं बनी है। तो यहाँ पे मेरे कंपनी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि मैं, मेरा ये नेम मुझे अप्रूव्ड हो सकता है, मगर मैं नेम अप्लाई करूं तो मुझे ये मिल सकता है, ठीक है। आपको दो, जब चेक करते हो नेम तो आप ऐसे भी करना, जैसे इसने लिखा है यंगेज, मैंने इसको आगे कर दिया एक स्पेस दे दिया इस तरह करके कि जो मैं नेम अप्लाई करने जा रहा हूँ जब और एज अलग अलग करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप सर्च करोगे तो यहाँ पे यह दिखाता है कि यंग एज ग्लोबल एक कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इसने अपना नेम चेंज किया, इसका पहले नाम यंग एज ग्लोबल था, अब इसने यंग एज को एक साथ कर लिया। तो कोई भी ऐसी कंपनी का नेम आएगा ना तो उसे थोड़ा ब्रेक करके करना बेटर होता है कि आप सबसे पहले जब प्रीफिक्स अप्लाई करते हो, प्रीफिक्स को चेक करते हो, तो उसके सिर्फ चार वर्ड डालो, चार लेटर डालो, चार लेटर, फोर लेटर के साथ चेक करो कि क्या उससे रिलेटेड कितनी कंपनियां रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो आपको यहाँ इतनी सारी मिल जाएंगी आपको। तो आपको बेसिकली उसके बाद देखना है कि क्या मेरे से रिलेटेड कोई कंपनी है, हो सकता है इसका नाम हो यंग एज रियलिटी, लेकिन एक कंपनी है यंग रियलिटी, यंग रियलिटी, तो उस केस में भी आपके नेम अप्रूवल के चांस सपोज सीधा घटके 20% रह जाएंगे, ठीक है, सीधा घटके 20% रह जाएंगे। ये मिनिस्ट्री के हाथ में है क्या वो नेम आपको दे दे या नहीं दे। वो कह सकती है कि जो नेम आपने दिया है यंग रियलिटी के नाम से, यंग रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और आपने बस तीन लेटर आगे अटैच कर दिया है, यंग एस कर दिया, तो आपका नाम हमारे ऑलरेडी रजिस्टर्ड नेम से बिल्कुल रिजेंबल कर रहा है, तो आपको ये नाम हम नहीं देंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, हमने देखा यंग, ठीक है। सर एक डाउट था, एक सेकंड मेरे को ये कंप्लीट करने दो पहले, ठीक है, ठीक है। इस समय देख रहे हो कि रंग यंग रियलिटी के नाम से कोई कंपनी है या नहीं है, तो हम यहाँ पे भी डाल सकते हैं यंग और आगे डालते आर लिख के ऐसे यंग आर, तो इस पे दिखाएगा कि यंग आर से रिलेटेड कोई कंपनी है। यहाँ लिखा है यंग रेन, यंग रिसोर्सेज और यंग रिवर एंड सेल्स कॉर्पोरेशन। तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यहाँ पे अपने नेम को चेक कर सकते हैं कि मेरा नाम जो मैं नेम अप्लाई करने जा रहा हूँ वो ऑलरेडी पुरानी जो कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है उससे कहीं मैच तो नहीं कर रही, एक नियर बाई मैच तो नहीं है, या तो एग्जैक्ट मैच करेगी या नियर बाई मैच करेगी। नियर बाई मैच को हम बोलते हैं रिजेंबल डॉक्यूमेंट। हाँ जी, क्वेश्चन पूछो। मुझे ये पूछना था जैसे कंपनी का नाम रखते हैं तो जो बहुत ही ज्यादा मतलब कॉमन वर्ड जैसे हॉस्पिटैलिटी हो गया, या फिर जैसे कोई शहर का नाम ले लें, जैसे अपन उज्जैन ले लें शहर का नाम, तो अगर ऐसा कुछ लेते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम जाती है सर? जैसे ग्लोबल ले लिया तो ग्लोबल इज अ मतलब ऐसा वर्ड है कि हर जगह मिलेगा, ग्लोबल इंडिया ये आप नेम रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया यंग एस और अप्लाई किया यंग एस इंडिया, ठीक है, तो इस हमारे नेम के बाद इंडिया अलाउड है, ठीक है, लेकिन अगर मैं अपने नेम के पहले इंडिया लिखूंगा जी तो अलाउड नहीं है जी, ठीक है। वैसे ग्लोबल भी लिखेंगे तो ग्लोबल में लिख दिया यहाँ पे कि दिल्ली, ठीक है, मान लो दिल्ली कैंसर ऐसे, ठीक है, दिल्ली कैंसर इशू, तो ये अलाउड नहीं है, सिटी का नाम अलाउड नहीं है, लेकिन मैं ऐसे लिख सकता हूँ कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली, ठीक है, इस तरह से अलाउड है। स्टेट के नेम से अगर नाम आपका स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत है, मैं उसकी पे भी पॉइंट पे आ रहा हूँ, ठीक है, समझ गए। तो अब पहली चीज तो ये आई कि जब हम नेम अप्लाई करने जा रहे हैं तो सबसे पॉइंट पहला चेक क्या करना है मुझे कि हमें एमसीए सर्विस पे जाके ये चेक नेम पे जाके और हमें अपने नेम को के प्रीफिक्स को डाल के ये देखना है कि हमारे प्रीफिक्स से रिलेटेड कितनी कंपनियां हैं पहले तो, ठीक है, और हमारे प्रीफिक्स से रिलेटेड के बाद हमारा जो आगे जो मेन ऑब्जेक्ट है उससे कितनी रिलेटेड कंपनियां हैं, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे डाला है यंग एस, ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ यंग एस से कंपनी तो बनी है, ठीक है, कंपनी तो बनी है लेकिन रियलिटी में कोई कंपनी नहीं, इसका मतलब मुझे ये नाम मिल सकता है, ठीक है, मुझे ये नाम मिल सकता है। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका नेम
आइडेंटिकल यानी कि रिजेंबल नहीं करना चाहिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड नेम से, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी चीजें कर देते हैं जो कि एज पर द रूल अलाउड नहीं है। तो आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा या पढ़ोगे तो मैं आपको ये अटैचमेंट डाल भी दूंगा, मिनिस्ट्री ने नेम रिजर्वेशन से रिलेटेड रूल्स भी इनकॉर्पोरेट कर रखे हैं कि उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप अप्लाई करोगे। उन रूल्स में उन्होंने ये बातें कई बातें बोली भी है कि अगर आप इस प्रोसेस के थ्रू जाओगे या आप देखोगे कि भाई इन चीजों को अप्लाई हम नहीं दे रहे हैं तो आप पहले इसको अप्लाई ना करो और ये प्रोहिबिटेड है और ये आपको मिल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो आपका नेम रिजर्वेशन रूल का ये इसके ऊपर पूरा डिटेल गाइडलाइन है जो कि आपकी ये yes, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर मैं पूरा एक अच्छी एक डेढ़ आधे घंटे घंटे के लिए पूरी प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ पीपीटी, आई विल अपलोड विद द वीडियो पीपीटी, ठीक है। तो उसको आप एक बार देखना अच्छे से। इसमें मेनली पूरा एक एक पॉइंट डिस्कस किया गया है कि आपको जो रिजर्वेशन नेम अप्लाई करने जा रहे हो उसमें हम आपको क्या देंगे और क्या नहीं देंगे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, देखो रन सर्विस शुड बी यूज्ड इन पर्सुएंट टू सेक्शन 4 ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल 8 एंड 9 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल, ठीक है, 2014 विद आर रिप्रोड्यूस फॉर योर रेफरेंस। सेक्शन 4 में ये बात बोली गई है द नेम स्टेट्स इन द मेमोरेंडम शैल नॉट, यहां पे साफ-साफ बोला गया है शैल नॉट बी आइडेंटिकल विद और रिजेंबल टू नियरली टू द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, या तो कंपनी 1956 में है या 2013 में, ठीक है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी है उससे रिलेटेड अगर रिजेबल कर रहा है आपका नेम तो वो प्रोहिबिटेड है, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ साफ साफ लिखा ना शुड नॉट बी आइडेंटिकल विद और रिजेबल विद टू नियरली द नेम, ठीक है। पहला पॉइंट उन्होंने साफ से बोल दिया जो कि मैंने अभी आपको बताया, उसको चेक कैसे करना है। तो आपको चेक करना है कंपनी एक्ट की वेबसाइट पे जाके और वहां पे आपको सॉरी कंपनी की वेबसाइट मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाके और वहां पे आपको ये चेक कंपनी नेम की सर्विस यूज करनी है और आपको अपने प्रत्यक्ष के अकॉर्डिंग देखना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक आपको? यस सर। फिर सेकंड बोल रहा है बी सच दैट इट यूज बाय द कंपनी विल कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ फ्रॉम टाइम बीइंग इन फोर्स और इज अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। उनको लगता है कि ये नेम बिल्कुल अनडिजायरेबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मिनिस्ट्री, ठीक है, MCA, तो उनको लगता है ये नेम अनडिजायरेबल है, ये आपको नहीं दिया जाना चाहिए। इसमें ऐसे नेम या ऐसे वर्ड है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के ये नहीं अच्छी चीज, तो भी आपको इस केस में वो नहीं दे सकते, या ऐसे कोई वर्ड यूज किया है जो कि ऑफेंसिव है, ठीक है, तो भी आपको वो वर्ड अलाउड नहीं है, वो आपको नहीं मिलेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो आपको कोई भी ऐसा नाम अपने कंपनी नेम अपने वर्ड में नहीं डालना जो कि ऑफेंसिव वर्ड हो, ठीक है, कोई भी ऑफेंसिव वर्ड हो रहा हो या वो कॉमनलाइज कर रहा हो किसी चीज को, ठीक है, या फिर वो अनडिजायरेबल। क्लियर है, ये दो पॉइंट आपको क्लियर है सेक्शन 4 की, ठीक है। अब इसमें थर्ड पॉइंट है विदाउट प्रिजाइज टू द प्रोविजन ऑफ द सब सेक्शन 2 ए कंपनी शैल नॉट बी रजिस्टर्ड विद द नेम व्हिच कंटेंट। अब यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया कि आपके ये तो है ही है, ठीक है, साथ में अगर आपके नाम में कुछ ये वर्ड अगर आपके नाम में है तो हम आपको वो नेम नहीं देंगे। अब वो कौन से वर्ड, एनी वर्ड और एक्सप्रेशन विच इज लाइकली टू गिव द इम्प्रेशन दैट द कंपनी इज इन एनी वे कनेक्टेड विद और हैविंग द पैट्रन्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी कॉर्पोरेशन और बॉडी कंस्टिट्यूट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ फ्रॉम टाइम बीइंग इन फोर्स। मतलब अगर आप नेम में ऐसा कुछ रख रहे हो जिससे ये रिलेशन हो रहा है कि आप किसी लोकल अथॉरिटी से या सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से या अपनी किसी बॉडी इंस्टीट्यूट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से एसोसिएटेड हो तो भी आपको वो नाम हम नहीं देंगे। क्लियर है, समझ गए? तो इस तरह के नाम भी आपको नहीं रखने। फिर फोर्थ पॉइंट है सच वर्ड और एक्सप्रेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब अनलेस द प्रोविजन ऑफ द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन ऑब्टेन फॉर द यूज ऑफ एनी सच वर्ड और एक्सप्रेशन। अगर आप ऐसा कोई नाम रखना चाह रहे हो जो कि हमारे इस पॉइंट में कवर्ड था, ठीक है, तो आपको अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से इसकी पहली अप्रूवल लेनी है, इस अथॉरिटी से पहले अप्रूवल लेनी है कि भाई ठीक है मेरा आपके साथ एक एसोसिएशन है, ठीक है, और मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ या मैं और मैं कंपनी बना रहा हूँ और इसमें आपकी कोई आपत्ति नहीं है, आप मुझे एक अप्रूवल दें,
ठीक है, तो फिर आप उस अप्रूवल के साथ इसको अप्लाई करोगे। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट है, अ पर्सन मे मेक एप्लीकेशन इन सच फॉर्म्स द मैनर रिकमेंड विद द रेजिस्टर सच भी, ये वही वही बात है कि हम अप्लाई करने के लिए रन सर्विस का यूज करेंगे, ठीक है, कंपनी नेम के लिए स्पाइस फॉर्म का, और हम अपने नए प्रपोज नेम को हम अप्लाई करने के लिए देंगे। उसके बाद ये बताया गया है कि अपॉन रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन क्या करेगी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री चेक करेगी, ठीक है, अपॉन रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन सब सेक्शन 4 रजिस्ट्रार ने ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट फर्निश्ड अलोंग विद द एप्लीकेशन रिजर्व द नेम फॉर ए पीरियड ऑफ 20 डेज। ठीक है, जो आपको नेम रिजर्वेशन मिलेगा वो कितने दिन तक वैलिड होगा, 20 डेज तक, उनके विद इन आपको अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लेनी है, अदरवाइज आपका नेम एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, from the date of approval or such other period as may be prescribed, provided that in case of the application of reservation of name or change of its name by an existing company, ठीक है, the registrar may reserve the name for a period of 60 days. ये तो नई कंपनी के लिए अप्लाई करोगे तो उसके लिए आपको जो अप्रूवल मिलेगा वो कितने दिन के लिए मिलेगा, 20 डेज के लिए। लेकिन अगर आप कंपनी का नेम चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए जो आपको अप्रूवल मिलेगा उसकी वैलिडिटी कितने दिन की होगी, नेम की 60 डेज की। क्लियर है यहां तक सबको? हाँ जी, आवाज आ रही है? यस सर। सर 60 डेज का क्या क्लॉज है सर, एक बार रिपीट कर देंगे सर? जब हम नया कंपनी के लिए नेम के लिए अप्लाई करते हैं, न्यू कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए जब हमें अप्रूवल मिलती है नेम रिजर्वेशन की, ठीक है, तो उसके लिए 20 डेज की बजट 20 डेज सर, ठीक है, आपको विद इन 20 डेज अपना कंपनी इनकॉर्पोरेट करना होता है। ठीक है, लेकिन जब हम चेंज ऑफ नेम के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, हमारी ऑलरेडी कंपनी बनी हुई है, उस नेम को हम चेंज करना चाहते हैं, तो जब हम अप्रूवल लेते हैं रन सर्विस के थ्रू, तो उसकी वैलिडिटी जो होती है वो 60 डेज के अंदर आपको कंपनी अप्लाई अप्रूवल मतलब नेम चेंज का पूरा प्रोसेस कंप्लीट है, ठीक है, अदरवाइज वो नेम आपका एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है वेयर आफ्टर रिजर्वेशन ऑफ नेम अंडर क्लॉज 1 इज दिस फाउंड दैट नेम वाज अप्लाइड बाय द फर्निशिंग रॉन्ग और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर उनको लगता है कि आपने जो नेम रिजर्वेशन अप्लाई किया और मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दे दी है, ठीक है, उसकी और उसके बाद उनको लगता है कि आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के साथ ये लिया है, अप्लाई किया हुआ है, इफ द कंपनी हैज नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड द रिजर्व नेम शैल बी कैंसिल्ड। ठीक है, एंड इफ द एंड The person making application under subsection 4, ठीक है, shall be liable to a penalty which may exceed to 1 lakh. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसे कोई भी नेम अप्लाई मत करो जो कि रॉन्गफुली है, ठीक है, उन्होंने आपको अप्रूवल तो दे दिया बट आप पे वो पेनल्टी भी लगा सकते हैं, ठीक है, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई तो। If the company has been incorporated, the registrar may, after giving the company an opportunity of being heard, ठीक है, either direct company to change its name within period of 3 months after the passing ordinary resolution, take action for striking of the company, name of the company from the register of the company or make petition for winding of the company. समझ गए? तो अगर आपने कोई ऐसी name apply कर लिया और company form भी कर ली, ठीक है, तो आपको registrar direct कर सकता है कि भाई अपना company का name change करो within 3 months, ठीक है, within 3 months, ठीक है, अदरवाइज आपको वो स्ट्राइक ऑफ के लिए भी डाल सकते हैं और या बोल सकते हैं कि भाई वाइंडिंग अप करो कंपनी की, ठीक है, कंपनी की वाइंडिंग अप करो। क्लियर है? अब रूल 8 क्या है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन डिटरमाइनिंग वेदर द प्रपोज नेम इज आइडेंटिकल विद अनदर द डिफरेंस ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी डिसरिगार्डेड। ठीक है, द डिफरेंस ऑन द अकाउंट ऑफ फॉलोइंग शैल बी डिसरिगार्डेड, यहाँ पर लिखा है शैल बी डिसरिगार्डेड, इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई नेम अप्लाई कर रहे हो, बहुत सारे पर्सन ऐसे करते हैं कि नेम अप्लाई किया हमने उसका प्लुरल बना दिया, ठीक है, हमने नेम में थोड़ा बहुत ए बी सी डी जोड़ दिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नाम अपने नेम से दूसरे नेम से वो क्या हो गया, वो आइडेंटिकल हो गया, मतलब अलग हो गया। ठीक है, जैसे हमने एक कंपनी बनाई, भाई एक ऑलरेडी कंपनी रजिस्टर है रिलायंस, ठीक है, हमने बोल रिलायंस के आगे एस लगा दिया, ठीक है, या हमने रिलायंस के आगे का एक स्पेलिंग चेंज कर दिया, तो स्पेलिंग चेंज उसको सिंगुलर से प्लुरल बना देना, ठीक है, ये एक मैटर नहीं करता कि आपका नेम आइडेंटिकल हो जाएगा। तो इसी बात का यहाँ डिस्कशन है कि आप जैसे लाइक वर्ड लाइक प्राइवेट, ठीक है,
कर दिया, लिमिटेड कर दिया, ऐसे कर दिया, तो ऐसे नेम आपके डिसरिगार्ड हो जाएंगे, ये आपके ये नहीं बताएंगे कि आपका नेम उन नेम से डिफरेंट है. वर्ड अपीयरिंग एट द एंड ऑफ द नेम लाइक कंपनी एंड कंपनी, कंपनी कंपनी कॉर्पोरेशन, मतलब इस ऑलरेडी नेम, ऑलरेडी नेम है उसके आगे आपने लास्ट में क्या लगा दिया, कंपनी. ठीक है, जैसे ये कंपनी बनी हुई यंगेस्ट ग्लोबल, अब मैं इसको लिख दूं यंगेस्ट ग्लोबल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड. यंगेस्ट ग्लोबल ऑलरेडी कंपनी रजिस्टर्ड है, लेकिन मैंने लिख दिया यंगेस्ट ग्लोबल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, तो ये एक डिफरेंट नेम नहीं है, रजिस्टरेबल डिनाइटिस. ठीक है, क्लियर है. फिर थर्ड चीज है प्लुरल वर्जन. अगेन मैंने बोला प्लुरल वर्जन, कोई ऐसा सिंगुलर नेम है आपने उसको क्या बना दिया, प्लुरल कर दिया, तो भी आपको नेम अलाउड नहीं है. टाइप एंड केस ऑफ लेटर, स्पेसिंग बिटवीन द लेटर एंड द पंक्चुएशन मार्क, कोई भी ऐसा मार्क आपने लगा दिया, कोई स्पेस दे दिया दो वर्ड, जैसे मैंने बोला था यंग और एस को अलग अलग कर दिया, तो भी आपको अलाउड नहीं. ठीक है, तो इस तरह से आपने, आपको ये ध्यान रखना है कि नेम बिल्कुल आपका डिफरेंट हो, सिमिलर टू अदर नाउन. फिर आपने कर दिया ज्वाइनिंग वर्ड टूगेदर. बहुत सारे पर्सन कहते हैं कि भाई चलो जी दो नाम को मिला के, दो वर्ड को मिला के ऑलरेडी कंपनी रजिस्टर्ड है, जैसे हमारी कंपनी, मान लो हमारी कंपनी एक रजिस्टर्ड है बिजनेस मेंटर्स के नाम से, तो दूसरा पर्सन आके वो बोला कि बिजनेस और मेंटर्स दोनों को ज्वाइन कर दीजिए. ठीक है, तो हमारा एक अलग नाम बन जाएगा. ठीक है, एक पर्सन की रजिस्ट्रेशन के लिए आया हुआ है, जैसे कि इसका है अभी हमारे एक स्टूडेंट भी है, उन्होंने बोला कि कैश, कैश से रिलेटेड एक नाम दिया. ठीक है, वो अलाउड नहीं है. कुछ ऐसे वर्ड है लाइक जो फाइनेंशियल मैटर को डिस्क्लोज करते हैं, उसके लिए हमें पहले अप्रूवल लेनी होती है. तो कोई भी ऐसा नेम को अगर आप ज्वाइंट कर दो और फिर बोलो कि ये अलग नाम है, ठीक है, आपने उसको सेपरेट कर दिया तो बोलो कि अलग नाम है, तो वो आपको नेम रिजर्वेशन रूल के अकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, वो आपको नहीं देंगे. यूज ऑफ डिफरेंट टेंसेज, नंबर ऑफ सेम वर्ड डज नॉट डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम द अदर. ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे एग्जाम्पल है यूजिंग डिफरेंट फोनेटिक स्पेलिंग और स्पेलिंग वेरिएशन विल नॉट बी कंसिडर एज ए डिस्टिंग्विश वन नेम फ्रॉम द अदर. एग्जाम्पल है पी डॉट क्यू डॉट इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज एग्जिस्टिंग देन पी एंड क्यू इंडस्ट्रीज और पी क्यू इंडस्ट्रीज और द पी एंड क्यू इंडस्ट्रीज और द पी एंड क्यू इंडस्ट्री विल नॉट बी अलाउड. समझ गए, अगर कोई एक कंपनी रजिस्टर है पी डॉट क्यू डॉट इंडस्ट्रीज, तो अगर आप ये अप्लाई करोगे ना पी एंड क्यू इंडस्ट्रीज, ऐसे लिख दोगे पी और फिर क्यू इंडस्ट्रीज, या फिर ऐसे लिख दोगे पी एंड क्यू लिख दोगे ऐसे, या ऐसे लिख दोगे पी एंड क्यू, तो आपको नहीं मिलेगा. समझ गए, क्योंकि ये नेम बिल्कुल आपके एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं. मिस स्पेल कर दिया, स्पेलिंग की भाई गलती कर दी, किसी चीज की स्पेलिंग कुछ और है, उसको कुछ और बोल दिया. इन एडिशन of the internet related designation such as .com, .net, .edu, .gov, .org, it does not make any change in the distinctness from another. ठीक है, जैसे Reliance Industry है, मैंने लिखा लिख दिया RelianceIndustry.com private limited, या Reliance.com private limited, कुछ भी ऐसा नाम दे दिया, आगे कुछ लगा दिया, तो भी ये नाम allowed नहीं है. In addition of the word like new, किसी ने बोला भाई company बनी है अभी, जैसे हमने देखा था Young Ace Global private limited, अब मैं बोलूं न्यू यंग एज ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, तो भी अलाउड नहीं. हमने बोला मॉडर्न यंग एज ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, तो भी अलाउड नहीं. हमने बोला श्री यंग एज ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, तो भी अलाउड नहीं है. ओम यंग एज ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, तो भी अलाउड नहीं है. मैंने बोला जय साई, कुछ भी ऐसे नाम स्टार्टिंग में हमने बस ऐड कर दिए, तो भी ऐसे नेम अलाउड नहीं है. दैट इज ये आपके नाम को डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी से. ठीक है, अगर आपको अगर फिर भी अगर ऐसा लगता है कि जैसे कि आपकी ऑलरेडी कंपनी बनी है, अब इससे आप चेंज करके जानना चाह रहे हो, बनाना चाह रहे हो न्यू यंगेस्ट ग्लोबल प्राइवेट, आप खुद ही बनाना चाह रहे हो, तो आपकी कंपनी जो पुरानी कंपनी है उससे सारा एनओसी लेके, उसके बोर्ड डायरेक्टर से, उसके शेयर होल्डर से एनओसी लेके, ठीक है, फिर आप नई कंपनी के लिए अप्लाई कर देते हो, फिर उसमें लिखते हो न्यू यंगेस्ट और पुरानी कंपनी को क्लोज कर देते हो. क्लियर है? हाँ जी, यस सर, क्लियर है. ठीक है, तो ये समझ गया. फिर इन एडिशन ऑफ, फिर यहाँ लिखा हुआ है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ नेम वर्ड डज नॉट मेक अ नेम डिस्टिंग्विश फ्रॉम द एग्जिस्टिंग नेम. इफ देयर इज अ कंपनी एग्जिस्टिंग बाय द नेम ऑफ बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड, एग्जांपल दिया उन्होंने, बोला बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड कंपनी है,
द नेम कॉन्ट्रैक्टर एंड बिल्डर विल नॉट बी अलाउड, आपने इसको चेंज कर दिया, आपने बोला कॉन्ट्रैक्टर एंड बिल्डर बोल देते थे, चलो जी ठीक है, तो भी अलाउड नहीं, दोनों एक सिमिलर नेम है, तो आगे पीछे करके या पीछे आगे कर दिया, आपने सफिक्स और प्रीफिक्स को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया उसकी पोजिशन को, तो भी वो अलाउड नहीं है, वो आपके नेम को डिस्टिंग्विश नहीं करती है। ये प्रपोज नेम इज हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन, कोई वर्ड इंग्लिश था उसको क्या किया आपने, इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दिया, क्या किया, जस्ट उसको एक इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दिया, या उसको हिंदी हिंदी में था तो इंग्लिश कर दिया, और इंग्लिश में था तो हिंदी कर दिया, तो भी आपका नेम हमारे अपने प्रीवियस नेम से मैच मतलब अलग नहीं होगा, उसको सेम होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। द नेम शैल बी कंसीडर्ड अंडर जनरल इफ द इट अट्रैक्ट प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 3 अमेंडमेंट नेम एंड प्रिवेंशन ऑफ इंप्रोपर यूज इन 1956 इंक्लूड द, और ये फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट है, इट्स इंक्लूड द नेम ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क व्हिच इज सब्जेक्टेड टू एन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन अनलेस द कंसेंट ऑफ द ओनर ऑफ द एप्लीकेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेडमार्क एज द केस मे बी has been obtained and produced by the promoter, ठीक है, it include any word or words which are offensive to any section of the paper, ठीक है। अगर यहाँ तक तो भाई बात की कि similar name, identical name, तीसरी चीज, अब fourth यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आपका name apply कर रहे हो, तीसरी point जो मैं आपको बोल रहा था कि पहले तो आपको check करना है कि कोई similar name नहीं है, दूसरा check करना है कि आपका name as per the reservation rule हो, ठीक है, तीसरा जो चीज चेक करनी है कि आपका नेम कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मैच नहीं करता हो, और साथ में वो सब्जेक्टेड टू रजिस्ट्रेशन भी, यानी कि उसकी एप्लीकेशन भी फाइल की नहीं गई, क्लियर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, जो आपको नेम रिजर्वेशंस में दिखाई गई है। फिर यहाँ भी काफी चीजें बोली गई है कि आपका चिट फंड कंपनी अगर है, ठीक है, इस तरह से है, फाइनेंसिंग कंपनी है, तो अगर लोन कंपनी तो आपको ये वर्ड डालने हैं नेम में, ठीक है, आप ये मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि आपने चिट फंड कंपनी बना ली और अपने अपने नेम में बताया नहीं कि आप चिट फंड कंपनी चला रहे, तो आपके कंपनी के नेम में वर्ड होने चाहिए एक्टिविटी इस तरह, ठीक है, जो कि आपको बताए कि आपका फ्लाइट डिफाइन करे कि आप एक चिट फंड कंपनी चला रहे, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो आपको यहाँ पे दिया गया है, इसको एक बार आप डिफाइन कर अच्छे से पढ़ सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो कि अलाउड नहीं है, जैसे मैंने बोला कोई स्टेट नेम आपके नेम में अलाउड नहीं है, वो कोई भी आपका इंश्योरेंस इस तरह से वर्चुअल ये सब कर रहे हो, बैंक वगैरह डाल रहे हो, तो उसके लिए पहले आपको आरबीआई से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, पहले तब आप उसका नेम अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको एक बार अच्छे से देखनी है नेम अप्लाई करने से पहले, क्योंकि नेम बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, गलती से अगर आपको मिनिस्ट्री ने दे भी दिया, ठीक है, तो भी आपको वो नेम बाद में मिनिस्ट्री कह सकती है कि भाई इसे चेंज करो या उसको आप बंद करो। यहाँ पे देखो साफ लिखा है, गवर्नमेंट हैज obtained for the use of such word expression board commission authority undertaking national union central federal republic president, ऐसे नाम आपको नहीं मिलेंगे, ऐसे कोई भी नाम जो आपने यहाँ पे डाला हुआ है अपने नेम में, जो कि अगर ऐसे वर्ड है तो आपको नहीं मिलेंगे। तो पूरा रूल है रिजर्वेशन का, जिसको आप डिफाइन करके अच्छे से मतलब पढ़ सकते हो। बाकी मैं इसके ऊपर एक बहुत अच्छी वीडियो अकॉर्डिंग टू सारा स्लाइड मैं बना रहा हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो ये समझ गया आपको क्या चीजें अलाउड है क्या चीजें नहीं अलाउड है, बेसिकली एक आइडिया मिल गया। Yes sir, but can I please ask अगर इसका कोई हैक हो, I mean कोई वर्ड ट्रेडमार्क ऑलरेडी है बट हमारे क्लाइंट को अगर चाहिए तो कुछ ऐसा तरीका है जिससे कि हम उनकी हेल्प कर सकें, मतलब इलीगल नहीं बट डेफिनेटली समथिंग जो कि जो थोड़ा एक्सेप्टेबल हो बट मतलब क्लाइंट के लिए। तो पहला तो उन्होंने खुद बोला कि अगर आप ऐसी ट्रेडमार्क ऐसा नेम अप्लाई कर रहे हो जो ऑलरेडी ट्रेडमार्क है या सब्जेक्टेड टू ट्रेडमार्क, ठीक है, तो उस केस में उन्होंने जब आप नेम अप्लाई करोगे, ठीक है, तो मिनिस्ट्री से आपके पास वो आएगा, रिसबमिशन आएगा, वो बोलेंगे कि आप जो नेम अप्लाई कर रहे हो ये इस ट्रेडमार्क से रिलेटेड है तो आपको नहीं मिलेगा, और साथ में लिख भी देते हैं कि अगर आपको फिर भी चाहिए वो नेम तो, और रूल में भी लिखा हुआ साथ में, ठीक है, अभी बंदे बताया ना, रूल में भी लिखा हुआ, उसमें रूल में साफ साफ लिखा है कि अगर आप फिर भी आपको नेम चाहिए तो जो ऑनर ऑफ द ट्रेडमार्क है, ठीक है, उससे आपको एनओसी चाहिए, ठीक है, तो आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो कि सर आप ये ट्रेडमार्क चला रहे हो या नहीं चला रहे हो, ठीक है। कई बार होता है
हम ट्रेडमार्क को ले लेते हैं बट हम बिजनेस नहीं कैरी कर पाते अपना, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है कि हमने ट्रेडमार्क रजिस्टर कर लिया लेकिन हमने बिजनेस को कैरी नहीं कर रहे, बंद कर लिया। ट्रेडमार्क तो रजिस्टर हो गया, मैं उस नाम से बिजनेस नहीं चला पा रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं चला पा रहा हूँ। तो फिर वो क्या करेगा, कोई नया बंदा जो अप्लाई करेगा नेम के लिए तो हमने हिस्ट्री देगी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, ट्रेडमार्क की वेबसाइट से उसका एप्लीकेशन नंबर और नंबर वगैरह निकाल के आप उनको कॉन्टेक्ट करो कि भैया ये नाम हम चाहते हैं, ठीक है, अगर आप हमें देते हैं इसके अप्रूवल तो हमें ये फॉर्मेट है, एनओसी वगैरह फॉर्मेट है, इसी एनओसी लेके आप फिर देन आप उस नाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो हैक एक यही है, देखो जो हैक से मतलब लीगल हैक, ठीक है, लीगल हैक यही है कि आप प्रॉपर वे में जो कंसर्न ट्रेडमार्क पर्सन है, मतलब कंसर्न जो ट्रेडमार्क जिस रजिस्टर्ड पर्सन है, उस पर्सन से कॉन्टेक्ट करो और उनके बीच में नेगोशिएट करो। आपका क्लाइंट फिर भी कहता है कि मुझे ये नेम चाहिए तो यू कैन ऑफर द निगोशिएशन, यू कैन ऑफर द निगोशिएशन कि भाई मैं चलो आपके और जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है और आप जो के बीच में मैं निगोशिएट करवाती हूँ और एक प्राइस हम डिसाइड कर देंगे, आप उसको प्राइस पे कर देना, वो आपको एनओसी वगैरह दे देगा, ठीक है, एंड देन उस एनओसी के बेस पे आप रजिस्ट्री में निकल जाएंगे। क्लियर जी सर? ठीक है, यही होता है और यही सारे करते हैं, दिस इज द लीगल वे, ठीक है। अब हमने जब नई कंपनी का नेम अप्लाई कर रहे थे तो पहली चीज हमने क्या करी, नेम चेक किया। नेम चेक करने के बाद हमने रिजर्वेशन रूल को भी ढंग से समझ लिया कि रिजर्वेशन रूल के अकॉर्डिंग मेरा नेम कौन सा प्रोबेटेड मार्क है, कौन सा प्रोबेटेड नेम है, कौन सा नहीं। तो हमारे नेम में प्रोबेटेड नहीं होना चाहिए और हमारा नेम एक दूसरे से रिजर्वल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब तीसरी चीज आती है कि हमें उसका ट्रेडमार्क चेक करना है, ठीक है, हमें ट्रेडमार्क किसका चेक करना है, हमारे प्रीफिक्स का, हमारे नेम के प्रीफिक्स का, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे उन्होंने आपको यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है, चेक ट्रेडमार्क, ठीक है। तो आप आईपीआर की वेबसाइट पे चले जाओगे, ठीक है, आप सबको पता है यहाँ से आप आईटीआर, अगर आप लोग आईपीआर की क्लासेस ले रहे हो निशान सर से तो नेम आपको ये आगे बताया जाएगा कि आपको ये सर्च कैसे करना है, बाकी मैं भी बताऊंगा। अब यहाँ पे आपको तीन चीजें देखनी होती है कि आप जो नेम अप्लाई कर रहे हो क्या उसका हमारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है या नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा यंग एस, ठीक है। अब यहाँ पे बताया होता है क्लास, ठीक है, तो यहाँ पे एटलीस्ट वन क्लास आप डालो। अब क्लास आपको पता है ट्रेडमार्क की क्लास जो होती है, अलग अलग क्लासेज हैं, अलग अलग क्लासेज है ट्रेडमार्क की, ये सारी जनरली क्लासेज है। आपको आईपीआर की अगर गूगल पे आप ट्रेडमार्क डिस्क्रिप्शन भी लिखोगे, ठीक है, तो आपको एक वेबसाइट आएगी यहाँ पे आईपीआर इंडिया की .gov.in, जिस पे क्लिक करते। अब हमारे पास ट्रेडमार्क में टोटल कितने क्लासेज होते हैं, 45 क्लासेज होते हैं, वन से लेके 34 क्लासेस तो गुड्स का होता है और 35 से लेके 45 क्लासेस होते हैं सर्विसेज के। तो आपकी जो कंपनी मेन ऑब्जेक्ट में काम करी, सबसे पहले तो आप वहां चेक करो कि जो मेरी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है उस क्लास में कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हम जो कंपनी अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक रियलिटी कंपनी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि इंश्योरेंस एडवर्टाइजिंग बिजनेस, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल, मॉनेटरी, रियल एस्टेट अफेयर्स, ठीक है। तो हमारा क्लास क्या है, 36 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाके क्लास डालेंगे, नाम डालेंगे और फिर क्लास 36 देखेंगे, यहाँ पे हम सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे, हमारे को दिखा यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड। बेस्ट वे टू सर्च ट्रेडमार्क, जैसे हम कंपनी के नेम को सर्च करते हैं और फर्स्ट 4 लेटर डालते हैं, एटलीस्ट 4 लेटर, यहाँ भी आप एटलीस्ट 4 लेटर डालोगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्लास में 36 सर्च किया। तो यहाँ पे मेरे पास देखते हैं यंग से रिलेटेड कुछ आ रहा है, यहाँ पे देखो यार, यंग एसी हैवियर्स, यंग एसी, ठीक है। अब यंग एस और यंग एसी दोनों अलग है, देखो यंग ये अलग है और ये अलग है, ठीक है, तो यंग एस और यंग एसी दो अलग वर्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा मैच नहीं करता। फिर यंग अचीवर है, यंग अचीवर है, फिर यंग स्कॉलर है, ऐसे करके यंग नेवर स्टॉप है इस पर, मतलब ऐसे करके मैं अपने नेम को चेक करूंगा कि मेरा नाम मेरे वर्ल्ड से कितना मैच करता है। यंग इंडिया, यंग साइनिंग,
जैसे यंगेस्ट है, यंग हर्ट है, ठीक है। अब ये जो इंश्योरेंस कंपनी है ये अलग है, तो हमें यहाँ मिल रहा है कि हमने अगर फर्स्ट फोर लेटर भी डाला अपने नाम में तो भी हमारे नेम से कोई बिल्कुल सिमिलर नेम निकल के नहीं आ रहा या रिजेंबल भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप ये नेम को अप्लाई के लिए जा सकते हो। ध्यान रखना जब भी ट्रेडमार्क का ऑब्जेक्शन आएगा ना एमसीए के साइड से, तो एटलीस्ट आपके प्रीफिक्स के वर्ड मैच कर रहे हैं, आपका प्रीफिक्स का जो वर्ड है ना वो मैच कर रहा होगा 99.99% केसेस में। कभी ऐसा नहीं आएगा कि यहाँ पे उन्होंने बोला कि यंग एसी लिखा हुआ है, ठीक है, और आप अप्लाई कर रहे हो यंग एस के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास मोस्टली रिजेक्शन नहीं आएगी जब तक आपका कंप्लीट प्रीफिक्स वर्ड सब्जेक्टेड टू ट्रेडमार्क या ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है। क्लियर है? हाँ जी सर। तो अगर ट्रेडमार्क जैसे रजिस्टर्ड है तो फिर उसमें वो बाकी सारे रूल्स नहीं लगते जो अभी हमें कंपनी के लिए पड़े, लाइक वो जो आप बता रहे थे कि फोनेटिक्स वगैरह अगर हम डिफरेंट यूज कर लें या नाम आगे पीछे कर लें तो वो चीज फिर इसमें एप्लीकेबल नहीं होती है ट्रेडमार्क में? जी सर। हाँ जी सर। नहीं, ट्रेडमार्क में एप्लीकेबल नहीं होती। अगर मान लो हमारा किसी ने वो लिखा था ना कॉन्ट्रैक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अब हम जो नेम अप्लाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं मान लो कॉन्ट्रैक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। उस नाम से ऑलरेडी कोई कंपनी बनी नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बनी और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉन्ट्रैक्टर से भी नहीं बनी, तो एमसीए के साइड पे तो डिसेंबल नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, एक ट्रेडमार्क, तो वो ट्रेडमार्क और कंपनी के नेम से कहीं रिजेंबल नहीं है। मैंने क्या बोला, ट्रेडमार्क में जो चेकिंग होगी आपकी वो होगी प्रीफिक्स की, मेनली प्रीफिक्स की। सबसे पहले तो प्रीफिक्स चेक करेंगे आपका कि प्रीफिक्स एज इट इज सेम है या नहीं है, ठीक है। तो अगर हमारे वाले केस में प्रीफिक्स जो वर्ड था वो था कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, यहाँ पे जो प्रीफिक्स आ रहा है वो आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, तो आपका नेम कहीं से भी रिजेंबल नहीं कर सकता। क्योंकि जब आप ट्रेड, अगर मान लो आपकी कभी इश्यू आए ऐसा, ठीक है, तो अगर आप अपना ट्रेडमार्क अप्लाई करो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉन्ट्रैक्टर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, आप अप्लाई करो कॉन्ट्रैक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो भी आपको आपको ट्रेडमार्क मिल जाएगा। क्योंकि जब ट्रेडमार्क का जो लॉ है वो ये कहता है कि जो आप वर्ड रीड करोगे, ठीक है, वो पूरा करोगे, कभी भी किसी वर्ड को अलग अलग तोड़ तोड़ के नहीं करोगे। सर हेलो। सर मेरे को ये पूछना था कि जैसे जैसे बड़े बड़े नाम के जो ट्रेडमार्क रहते हैं सर, वो इजीली मिल जाते हैं क्या सर, छोटे एस कंपेयर टू छोटे जो नाम रहते हैं उनके? हाँ, ट्रेडमार्क मिल जाते हैं, छोटे के थोड़े से रिजेंबल आते हैं, फर्स्ट लेटर से रिजेंबल करता है, ठीक है जी सर। तो आप नेम के आगे कुछ ऐड कर दोगे ना, ठीक है, बस तो आपको मिल जाएगा। लेकिन बस आपको ये पहले ट्रेडमार्क जब सर्च करो तो पहले तो देखो कि आपका प्रीफिक्स कहीं मैच तो नहीं कर रहा। Yes, sir. अगर शुरू के चार लेटर करके सर्च करना चाहिए सर, शुरू के चार लेटर डालना, ठीक है। अगर आपका प्रीफिक्स ही मैच कर रहा है तो ट्रेडमार्क को भी मिलने के चांसेस खत्म हो जाते, कम हो जाते हैं और नेम को भी मिलने के चांसेस तो बहुत कम हो जाते हैं। जी सर, ठीक है। अब इसमें yes, कि जो ट्रेडमार्क और कंपनी नेम, ट्रेडमार्क और कंपनी नेम है, अगर मेरा ट्रेडमार्क जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे मेरा नेम मैच कर रहा है जंग, ठीक है, और मेरे कंपनी का नेम है यंग एस, ठीक है, तो इन दोनों की मैचिंग नहीं है, ठीक है। ट्रेडमार्क के लिए तो ये एक मैचिंग हो सकता है, जब मैं अप्लाई करूं तो वो बोल सकते हैं कि यंग एस आप अप्लाई कर रहे हो और यहाँ पे एक यंग एसी रजिस्टर, तो हम यहाँ बोलेंगे भाई आप पूरा करो ना, ये यंग एसी हैवर्स है, हीवर्स है, ठीक है, और हमारा यंग एस है, वो दोनों अलग अलग में, ठीक है, तो हम ट्रेडमार्क वाले को अलग बताएंगे। और जब मिनिस्ट्री की बात आएगी तो मिनिस्ट्री में यहाँ पे देखेंगे, बोलते हैं यहाँ पे देख रहे हैं कि ये यंग और यंग एस दोनों एक अलग नेम है, यंग एसी और यंग एस दोनों एक अलग नेम है, दोनों का रिलेशन कहीं नहीं। अगर मेरा नाम भी यंग एस होता, मैं कंपनी अप्लाई कर रहा हूँ यंग एस से और यहाँ पे ऑलरेडी एक वर्ड आ रहा होता यंग एस के नाम से, तो मुझे नहीं मिलता, मैं फिर इस नाम से कंपनी नहीं बना सकता, ठीक है। तो अगर कंपनी फिर भी बहुत डिस्परेट है, ठीक है, आपको लग रहा है कि यार ट्रेडमार्क तो है नहीं, फिर भी कंपनी रिजेक्ट कर रही है, ट्रेडमार्क सिमिलर आ रहा है, थोड़ा बहुत रिजेंबल आ रहा है, फिर भी मिनिस्ट्री उसको रिजेक्ट कर रही है, देन
आप अपने ट्रेडमार्क तुरंत अप्लाई करो, फटाफट पहले तो ट्रेडमार्क अप्लाई करो और उस ट्रेडमार्क के बेस पे अगर आप अप्रूवल लोगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ट्रेडमार्क रजिस्टर होना चाहिए सब्जेक्टेड टू एप्लीकेशन में, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि आपको तीन चीजें क्या करनी है, पहले कोई भी नेम अप्लाई करने से पहले इंपॉर्टेंटली ये तीन चीजें करनी है, पहले आपको कंपनी का नेम चेक करना है कि कोई सिमिलर नेम रिजेंबल नेम मेरा मैच नहीं कर रहा, दूसरा आपको एज पर रिजर्वेशन रूल वो वर्ड नहीं डालने हैं जो अलाउड नहीं है, ठीक है, वो वर्ड नहीं डालने हैं अपने नेम में जो अलाउड नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज आपको ट्रेडमार्क चेक करना है कि आपका प्रीफिक्स का जो वर्ड है, ठीक है, या प्रीफिक्स प्लस एक और वर्ड जो मिला दिया है वो आपको आपके नेम में मतलब ट्रेडमार्क से मैच नहीं कर। फोर्थ चीज आज की डेट में जो पहले नहीं होती थी 2019 से मिनिस्ट्री ने उसको भी करना शुरू कर दिया है। अब क्या करना शुरू कर दिया है कि आप कोई भी नेम अप्लाई करोगे, कोई भी नेम अप्लाई करोगे तो उस नेम वो नेम इटसेल्फ आपका एक्टिविटी डिफाइन करना चाहिए कि आप किस एक्टिविटी में काम कर रहे हो, या तो नेम आपका खुद एक्टिविटी डिफाइन कर दे, ठीक है, आप ऐसा नेम बना रहे हो जो नेम को मॉडिफाई करके बनाया है जो कि खुद बता रहा है कि मैं क्या काम करता हूं, ठीक है। दूसरा अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने नेम के आगे, नेम के आगे क्या करोगे, एक अपनी एक्टिविटी बताओगे कि आप क्या काम करते हो। जैसे मैंने बोला यंग एस, तो मुझे सिर्फ यंग एस प्राइवेट लिमिटेड नहीं मिलेगा क्योंकि यंग एस ये नहीं बता रहा कि यंग एस का काम क्या है, यंग एस का काम क्या है, तो मुझे यंग एस के नाम के आगे वर्ड के आगे ऐसा वर्ड डालना पड़ेगा जो मेरी एक्टिविटी बताए। तो अगर मैं रियल एस्टेट से बना, रियल एस्टेट से रिलेटेड मैं बनाना चाह रहा हूं तो मैं रियल एस्टेट से रिलेटेड एक्टिविटी को ऐड करूंगा, जैसे मैं लिख सकता हूँ यंग एस रियलिटी, मैं यंग एस रियलटर लिख सकता हूँ, मैं यंग एस इंफ्रास्ट्रक्चर लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं यंग एस डेवलपर लिख सकता हूँ, ठीक है, तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं सॉफ्टवेयर की कंपनी बना रहा हूँ तो मैं यंग एस आई टी सर्विसेज लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं यंग एस कंसल्टिंग बना रहा हूँ तो मैं यंग एस कंसल्टिंग सर्विसेज लिख सकता हूँ, यंग एस लीगल से रिलेटेड बना रहा हूँ तो मैं यंग एस लीगल सर्विसेज लिख सकता हूँ। तो मैं अपना नाम के आगे कुछ एक्टिविटी को डिफाइन करूंगा तभी मुझे मिनिस्ट्री वो नेम अप्रूवल देगी। या तो आप पहले नेम इटसेल्फ आपका कोई ऐसा नेम हो जो बताए कि आपका कंपनी का काम क्या है, समझ गए, क्लियर है? हाँ जी जी सर, क्लियर है? तो आप नेम को डिसाइड करने से पहले जब भी आपसे आपका आपका क्लाइंट आपको बोलेगा कि भाई मुझे तो ये नेम दे दो, वो तो जो भी नेम बोलोगे वो कहेगा, आप नेम मांगोगे वो कुछ भी लिख के भेज देगा आपको कि भाई मुझे तो ये नेम चाहिए, लेकिन आपको नेम अप्लाई करने से पहले आपको चेक करना है, ठीक है, कि वो मिलेगा नहीं मिलेगा, एज पर द लॉ अलाउड है या नहीं अलाउड है, ट्रेडमार्क का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हम एक्टिविटी को डिफाइन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं नेम में, नहीं कर रहे हैं तो हम एक्टिविटी को डिफाइन कर, क्लियर, हाँ जी क्लियर, यस सर, जी सर, सर हाँ जी बताओ। सर कभी कभी क्या होता है, अभी मैंने एक LLB का नेम रिजर्वेशन के लिए अप्लाई किया था, तो मैंने DP लीगल एसोसिएट, तो उसमें क्या होता था वो DP मतलब कहाँ कहाँ से भी मैच नहीं हो रहा है, फिर भी वो कोई कंपनी के नाम में D और P है ना, तो वो भी सजेशन में डाल देता था कि ये ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, न तो उसका स्टार्टिंग DP से था ना कोई एंड DP से था ना कंटेंट DP से था, लेकिन वो फिर भी दिखाता है सजेशन में, तो वो कितने चांसेस है कि वो डिसअप्रूव होगा, या अगर डिसअप्रूव होता है तो हमको क्या एक्शन लेना होगा, या वो ट्रेडमार्क में कहाँ पे है, जब मैंने अप्लाई किया था तो वो ट्रेडमार्क में भी नहीं था, किसी वो नाम से कोई कंपनी भी नहीं थी, LLP भी नहीं। ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना, ठीक है, ये एक आज की डेट में सबसे बिगर प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि मिनिस्ट्री ने CRC सेंटर बना दिया, ठीक है, CRC सेंटर क्या है, कॉमन रजिस्ट्रेशन सेंटर है, मिनिस्ट्री के सारे जितने भी इनकॉर्पोरेशन होते हैं ना, नई कंपनी के इनकॉर्पोरेशन है, वो सारे CRC से होते हैं, आपके ROC से नहीं होते, और CRC सेंटर है मानेसर में, ठीक है, मानेसर गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है, और वहां पे किसी की पब्लिक विजिटिंग अलाउड है, ठीक है,
मतलब आपकी नेम अगर मिनिस्ट्री डिनाई कर रही है, ठीक है, डिनाई कर रही है, तो आप वहां पे जाके विजिट करके अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको फिर भी रिप्रेजेंट करना है, आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो जो जो डिनाइल आ रहा है वो एज पर एक्ट नहीं है, ठीक है, एज पर एक्ट नहीं है, ठीक है, तो उस केस में आपको जो न्यू दिल्ली है, ठीक है, न्यू दिल्ली में यहाँ पे कनॉट प्लेस के पास में है एक बीजेपी इसका भवन है, एमसीए का भवन है, ठीक है, वहां पे आपको ये कंप्लेन आप ऑफिसर्स के खिलाफ कर सकते हो जो ऑफिसर्स आपको डिसअप्रूव कर रहा है करनी। दूसरी चीज, अपने लोकल जो आरओसी है वहां विजिट करोगे, पहले वहां पे एक कंप्लेन डालोगे रजिस्ट्रार में, ठीक है, कि ये इशू आ रहे हैं मुझे, मेरा नेम एज पर द एक्ट रूल्स सब कुछ ओके है, मैं सब कुछ ओके करके कर रहा हूँ, ठीक है, फिर भी ये नेम नहीं दिया जा रहा, ठीक है, तो आपको ये काम इस तरह से करना होगा, ठीक है, अदर, ठीक है, तो ये, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप उनको मौका ना दो, आप उनको मौका। मुझे एक डाउट और है, पूछूं? ठीक है, हाँ पूछो। सर, प्रॉब्लम एक ये भी आई थी कि किसी वजह से उन्होंने, हाँ, क्लास ऑफ एक्टिविटी जो था वो मैंने एक बार गलत भेज दिया था, तो उन्होंने मुझे रीसबमिशन का चांस दिया। रीसबमिशन का फॉर्म जब मैं फिल कर रही थी तो आई डोंट नो कैसे वो अपने आप ही सबमिट हो गया, मीन्स उसमें मतलब ना तो ऑटो चेक, ना सेव, ना कुछ और का उन्होंने चांस दिया, वो अपने आप ही सबमिट हो गया, देयर वाज सम ग्लिच। और उसके फिर क्या हम रिफंड क्लेम कर सकते, बिकॉज क्लाइंट को हर छोटी चीज में फिर प्रॉब्लम आती है। रिफंड क्लेम नहीं कर सकते आप, उसको प्रूफ कैसे करोगे कि वो गलती से सबमिट हो गया। मैंने बोला था ना, सिस्टम एरर से मेरा एसआरएन गया, फिर भी उन्होंने उसको बोला कि नहीं आपको जाना ही पड़ेगा, दोबारा जाना पड़ेगा, दोबारा से सारा प्रोसेस कंप्लीट करो, तो आप इसको प्रूफ नहीं कर सकते ना कि एसआरएन मेरा रीसबमिट हुआ है, क्योंकि एसआरएन रीसबमिट ऐसे तो होता नहीं है। एसआरएन रीसबमिट तो आपको पता है, नॉर्मली अगर हम कंपनी स्पाइस प्लस में जाते हैं और यहाँ पे हम जब स्पाइस प्लस में जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में जाएंगे। अच्छा, नेम से रिलेटेड है क्या? तो यहाँ पे हम कहाँ जाएंगे? एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में। जब एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में जाते हैं तो उस फॉर्म को ओपन करते हैं, जैसे मान लो ये ओपन किया राइनस एंटरप्राइजेस, ठीक है, फिर इसे आप एडिट करोगे, ठीक है, फिर इसे आप चेंज करोगे और फिर इसे सबमिट करोगे। जिसके कारण वो अपने आप सबमिट हो गया और जिसमें कोई चेंज ही नहीं था, तो बट हम प्रूफ नहीं कर सकते ना, दिक्कत ये है, प्रूफ नहीं कर सकते कि ये ऑटोमेटिकली जाता है, वो अपनी स्क्रीन उसमें रिकॉर्ड कर रहे होते, ठीक है, वैसे कोई पता है नहीं। तो आप बोल रहे बहुत सारे नाम ऐसे आते हैं जो नहीं बन पाते। अब हम एक बार प्रोसेस पूरा समझ लें, रिपीट करके अब नेम अप्लाई करने का प्रोसेस समझ लेते हैं। अभी मैंने रूल देख लिया, ये समझ लिया कैसे क्या चीजें चेक करनी है आपको नेम अप्लाई करने से पहले, क्योंकि नेम अप्लाई एप्लीकेशन तो वो छोटी सी चीज है, तो पांच टेबल पर सिलेक्ट करने हैं, फील्ड सिलेक्ट करने हैं और एमओए बनाना है और डालना, ठीक है, वो तो उसके बाद नेम अप्लीकेशन चली जाती है, लेकिन नेम अप्लीकेशन से पहले सारी चीजें जो कि आपको चेक करनी है वो भी हमने उसको सीखा है। तो अब हम नेम अप्लाई कैसे करते हैं उसके लिए जाएंगे, एमसीए सर्विस में जाना है, फिर स्पाइस फॉर्म, फिर यहाँ से न्यू एप्लीकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको टाइप ऑफ कंपनी सेलेक्ट करनी है, प्राइवेट कंपनी अगर बना रहे हैं तो आप यहाँ पे कौन सेलेक्ट करेंगे बताओ, न्यू कंपनी, अदर्स, अदर्स, ठीक है, फिर क्लास ऑफ कंपनी, प्राइवेट, फिर कैटेगरी ऑफ कंपनी, दो तरह की आएंगी, लिमिटेड बाय शेयर। सर, हमने वो प्राइवेट क्यों नहीं सेलेक्ट किया, कहाँ पे न्यू कंपनी अदर्स में से, ये प्राइवेट ओपीसी, प्राइवेट ओपीसी, दिस फॉर द ओपीसी 1% का, सॉरी सर, माय बैड, कोई नहीं, गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से आप बेसिकली टाइप ऑफ कंपनी सिलेक्ट करते हो, इसके ऊपर भी मैंने सर पॉइंट लीगल कांसेप्ट के पॉइंट है ये पूरा मैंने सर बताऊं,
पूछ लूं सर क्वेश्चन एक पूछो सर, एफ ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में सर ये प्रोड्यूसर कंपनी में जाएगा क्या? पूछो। अगर आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज रिलेटेड प्रोड्यूसिंग में हो, ठीक है, ये जी प्रोड्यूसर कंपनी जाएगी। ठीक सर। ठीक है, तो यहाँ से अपनी क्लास ऑफ कंपनी, टाइप ऑफ कंपनी सिलेक्ट करते हो कि आपकी कंपनी का टाइप क्या हो। ठीक है, जी तो प्रोड्यूसर सारी है, सारी समझा चुके हैं क्या? क्योंकि ये मेरे ये को वाला नहीं पता नहीं समझाया है। है, लेकिन ये वाला ना मैंने लीगल कंसेप्ट में डाला है। मैंने इसके ऊपर ना पूरी पीपीटी बनाई हुई है, पीपीटी बना के इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये कंसेप्ट जी वाइज है, सर, इसके अंदर एक एक करके मैंने बताया प्रोड्यूसर कंपनी क्या होती है, फिर इसके सेक्शन कौन से होते हैं, उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, फिर जी सर, अनलिमिटेड जी कंपनीज सर, क्या है, प्राइवेट ओपीसी कंपनीज क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या है। ठीक है, आईएफएससी कंपनीज क्या होती हैं। ठीक है, ये मैंने अलग अलग ना करके लीगल कंसेप्ट बताया है। वो आप लोग लीगल कंसेप्ट की वीडियो ना मैक्सिमम मंडे तक दे रहे, क्योंकि थोड़ा सा अभी टाइम मुझे कम मिल रहा था। ठीक है, तो नो इसलिए इश्यू मैंने सर। मंडे, सेक्शन 8 और ये पार्ट 1 सेक्शन 8 कंपनी सर। ये अलग है, दोनों अलग अलग। सर सेक्शन 8 में फीस कम लगती है ना सर हाँ, क्या? जी कम सेक्शन एट बेसिकली आपकी फाउंडेशन कंपनी है, एनजीओ, ट्रस्ट, जी सोसाइटी। ट्रस्ट। ठीक है, बेसिकली आपकी फाउंडेशन कंपनी, जो भी अगर आप ट्रस्ट वगैरह चलाना चाह रहे हो, कंपनीज यस सर। के थ्रू है ये, कंपनीज के थ्रू। तो यहाँ पे आप प्राइवेट और पब्लिक दोनों बना सकते हो। ठीक है, तो हम जब किसी नए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए जा रहे हैं, इनकॉर्पोरेशन के लिए जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे चूज करते हैं न्यू कंपनी अदर्स। ठीक है, फिर जी सर, उसके बाद आपको क्लास चूज करना है। ठीक है, पब्लिक है या प्राइवेट है, तो प्राइवेट। फिर कैटेगरी ऑफ कंपनी यहाँ पे डिफाइन है कि कंपनी आपकी लिमिटेड बाई शेयर है या लिमिटेड बाई गारंटी है। फिर उसके बाद लिमिटेड बाई शेयर, अगर आप शेयर कैपिटल है कंपनी, अपनी लिमिट को शेयर कैपिटल के अकॉर्डिंग रखना चाहते हो, तो आप लिमिटेड बाई शेयर। फिर सब कैटेगरी यहाँ पे, अगर कंपनी इज ए यूनियन गवर्नमेंट कंपनी, तो यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो यूनियन, स्टेट की है तो स्टेट। नॉन गवर्नमेंट कंपनी, जो कि हमारे वाले जितने केसेज होंगे वो 99% नॉन गवर्नमेंट कंपनी होंगी, अनटिल अनलेस हम गवर्नमेंट कंपनी बनाते। तो आपको सिलेक्ट कौन सा करना है, नॉन गवर्नमेंट। जी और अगर आप सब्सिडरी ऑफ ए कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया बना रहे हो, ऑलरेडी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है उसकी सब्सिडरी कंपनी बना रहे हो यहाँ पे, तो आप ये वाला सिलेक्ट करोगे। और गारंटी और एसोसिएशन कंपनी एक अलग कंपनी है। तो आप नॉर्मली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हो जो कि लिमिटेड बाई शेयर है, तो यहाँ पे आप नॉन गवर्नमेंट कंपनी सिलेक्ट करोगे। ठीक है, इसके बाद आपको डालना है मेन डिविजन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कोड। अब ये हमारे पास एक लिस्ट है, देखो ये हमारी मेन डिवीजन एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी कोड अलग अलग डिफाइंड है मिनिस्ट्री का। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटी का कर रहे हो तो ये एक्टिविटी कोड है। ठीक है, 125 है, माइनिंग का है, फिर मैन्युफैक्चरिंग से मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल है, इस तरह। फिर उन्होंने अपनी एक्टिविटी को डिफाइन किया है कि आपकी जो एक्टिविटी है उससे रिलेटेड आपको हमने कोड दिया है। तो आपको अपना यहाँ पे चेक करना है कि आपकी मेन एक्टिविटी, जो मेन एक्टिविटी है कंपनी की जो काम करेगी, वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्लियर कोड सिलेक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरी जो है वो रियल एस्टेट से रिलेटेड। ठीक है, रियल एस्टेट एक्टिविटी रेंटिंग ऑफ मशीनरी और कंप्यूटर, तो मेरी जो है वो रियल एस्टेट एक्टिविटी है, जो कि क्लास एक्टिविटी कोड 70 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्टिविटी कोड 70 डालूंगा। ठीक है, जैसे ही 70 डालोगे, देखो यहाँ पे लिख के आ गया रियल एस्टेट एक्टिविटी। क्लियर है आपको? हाँ जी, हाँ जी सर, क्लियर उसके बाद आपको डालना है है। ब्रीफ में अपना ऑब्जेक्ट, ब्रीफ में ऑब्जेक्ट। ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट, तो अपना मेन ऑब्जेक्ट पहले प्रिपेयर कर लो, जैसे हमने इसका प्रिपेयर किया हुआ है। ये तो आपको अभी थोड़ी देर बताता हूँ। मेन ऑब्जेक्ट आपको इस तरह से अपना कंपनी, जो मेन ऑब्जेक्ट रखेगी, जिस कंपनी, जो आपका कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव होगा, वो आप यहाँ पे पहले एक कहीं पे भी टाइप करके रख लेना, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट आपके एमओए में भी जाएंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जाएंगे। अब ये पूरा ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे पेस्ट नहीं कर सकते, पूरा ऑब्जेक्ट जो है
वो आप यहाँ पे पेस्ट नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पे ब्रीफ या तो कुछ पार्ट ले लो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, संतोष सी किया और यहाँ पे इसे आप पेस्ट करो। अब देखो ये जो पेस्ट हो गया पूरा यहाँ तक पेस्ट हो गया, ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे समरी डाल दी अपने ऑब्जेक्ट्स की कि मैं यहाँ पे करूंगा क्या। फिर आपको यहाँ पे अपने प्रपोज नेम बताने हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया यंग एस रियलिटी की स्पेलिंग ठीक है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ। हाँ जी रियलिटी की स्पेलिंग ठीक है, एक बार नेम जो अप्रूव, एक बार जो नेम अप्रूव हो गया वो हो गया, नेम चेंज नहीं हो सकता, फिर बाद में कंपनी का नेम चेंज करना पड़ेगा। रियलिटी सर्विसेज रियल एस्टेट एजेंट नहीं, ठीक है रियलिटी की स्पेलिंग नहीं है, वर्चुअल रियलिटी सर्विसेज। ये भी ठीक है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, वो एक अलग चीज, ठीक है, तो हमारा ठीक है रियलिटी है, तो हमने यहाँ पे नेम डाल दिया REALTY1, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और नेम दे रहा हूँ, देखो मैंने जो पढ़ाया है आपको वो बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ यंगेस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैं फिर भी एक नेम अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि क्लाइंट ने मुझे बोला कि आप मेरे लिए ये अप्लाई करो यंगेस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैंने बोला क्लाइंट को नहीं मिलेगा एज पर द रूल, एज पर द रूल, रूल क्या, कौन सा रूल, कौन से वाले रूल में ये नहीं मिलेगा बताओ, मैंने क्या बात बोली, किस अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा ये नेम, किस अकॉर्डिंग नहीं मिलना चाहिए, सब प्रीफिक्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ना, नहीं ये नेम यंगेस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये मुझे क्यों नहीं मिलना चाहिए, यंगेस्ट से ऑलरेडी ना ग्लोबल सर्विसेज करके, ठीक है, एक तो आपने बताया यंगेस्ट रिलेटेड ऑलरेडी ग्लोबल है, इंपैक्ट्स भी है और ये भी है, दूसरा और कोई, इसमें इंडिया नाम आ रहा है, नाम में इंडिया है, मिल जाएगा इंडिया अगर आपके नेम के आगे लिखा हुआ है प्रीफिक्स के आगे तो अलाउड है, मैंने बोला स्टेट के नेम नहीं होने चाहिए प्रीफिक्स में, एक्टिविटी डिफाइन नहीं है, बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पे हमने एक्टिविटी डिफाइन नहीं किया है कि आपका नेम किस एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको बोला था ना अगर आपका नेम का जो प्रीफिक्स वर्ड है इटसेल्फ एक एक्टिविटी डिफाइन कर रहा है, इटसेल्फ एक एक्टिविटी डिफाइन कर रहा है, वो अलाउड है। सॉरी बट ये भी यंगेस्ट की भी स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ है, एओजी इंटरचेंज होगा, हाँ ठीक है, और अगर आपका ठीक है तो अगर आपके नेम में एक्टिविटी डिफाइन है, ठीक है, नेम इटसेल्फ आपको बता रहा है कि मैं क्या एक्टिविटी करता हूँ, ठीक है, तो वो अलाउड है, अदरवाइज वी हैव टू ऐड योर एक्टिविटी इन दैट, तो हम यहाँ पे एक्टिविटी ऐड नहीं कर रहे हैं, इस वजह से मिनिस्ट्री मेरा ये नेम रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है, तो ये आप डालने के बाद अब अपना जो MOA है जो आपने बनाया है इसे आप अपलोड साथ में अपलोड करोगे, तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं क्या, बता रहा हूँ मैं आपको, एक रेडीमेड अवेलेबल भी करा रहा हूँ ऑब्जेक्ट, ठीक है, PDF में अपनी फाइल को सेव कर लेना, यहाँ पे मैंने ये PDF रखा हुआ है, अब इसे आप क्या करोगे यहाँ पे जो मेन आपका ऑब्जेक्ट है उसे आप यहाँ पे फाइल को अपलोड करो, देखो ये ध्यान रखना अपलोड फाइल नेम शुड बी लेस देन 25 कैरेक्टर, इट कंटेन्स ओनली अल्फा न्यूमेरिक विद स्पेशल कैरेक्टर लाइक दिस, ठीक है, तो मेरे इसमें देखो यहाँ पे स्पेस
चाहिए था। अच्छा 25 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, ठीक है, ये 25 कैरेक्टर से ज्यादा हो। ठीक है, ये हो गया। अब ये पूरा प्रोसेस आप करने के बाद आप इसे ऑटो चेक करो। सर ये प्रॉब्लम बहुत आता है साइट पे बार बार कि एक जगह आप लॉगिन हो पहले से ही, एक बार रहते नहीं। अगर ये गलती से आउट हो गया ना, अभी तो अपने आप वहां से आउट हुआ ना, अगर गलती से अपने मैंने विंडो क्लोज कर दी तो समझो ये क्लास के हो ही नहीं पाएगी इसके आगे। ये कम से कम मुझे 20 मिनट उसको छोड़ना पड़ेगा एज इट इज, ठीक है जी सर। अगर ये प्रॉब्लम आए ना अपना तो वो सिस्टम को बिल्कुल 20 मिनट के लिए छोड़ दो, शट डाउन कर दो 20 मिनट, ठीक है। अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है कि ऑलरेडी लॉग इन तो सिस्टम बंद करो और 20 मिनट के लिए एटलीस्ट छोड़ दो, ठीक है। एमसीए सर्विस में गए, फिर आगे जाएंगे हम न्यू एप्लीकेशन टाइप न्यू कंपनी अदर्स क्लास ऑफ प्राइवेट लिमिटेड बाय नॉन गवर्नमेंट कंपनी मेन रीजन 70, ठीक है। फिर हमने ऑब्जेक्ट कॉपी कर रखे थे, इसे पेस्ट कर देते हैं। फिर यहाँ नाम डालते हैं यंगेस वीएमटी और यंगेस इंडिया का, ठीक है। नाम में देखो YOUNGACE, ठीक है, YOUNGACE रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद फाइल चूज करेंगे, ये डाल दिया, ये करेंगे ऑटो चेक, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली, फिर ऑटो चेक। ऑटो चेक करके अगर आपका नेम एक दूसरे से रिजेंबल नहीं कर रहा हो ऑलरेडी अप्लाइड नेम से, तो ये आपका आ जाएगा। ये 90% केस में आपके पास आएगा ही आएगा, 99% केस में बेस्ड ऑन द प्रिलिमिनरी चेक कंडक्टेड बाय द सिस्टम इट अपीयर्स दैट द नेम अप्लाइड इज नॉट आइडेंटिकल टू एनी एग्जिस्टिंग नेम इन द इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री। हाउएवर द नेम प्रपोज्ड बाय यू फॉर योर कंपनी इज स्टिल सब्जेक्टेड टू मोर कॉम्प्रिहेंसिव चेक एट द सीआरसी बिफोर अप्लाइंग फॉर अ नेम यू मे लाइक टू यूज फेमिलर विद द कंपनी, ठीक है। ये आपने सब कुछ हो गया, सब कुछ चेक कर लिया। अब यहाँ पे आप इसे क्या करोगे, सेव करोगे, ठीक है। स्पाइस पार्ट ए डिटेल हैज बीन सेव्ड, ठीक है, और इसके बाद करोगे इसे सबमिट। अब यहाँ पे सबमिशन में अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप अभी जो आपने रन फाइल किया है नेम अप्लाई किया है, कि आप सिर्फ नेम अप्लाई करना चाह रहे हो या आप आगे इसी नेम से पूरा फॉर्म भी फिल करना चाह रहे हो, ठीक है। नेम कंपनी प्रोफेशन के दो प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस है नेम अप्लाई पहले कर लो, एक बार रिजर्वेशन हो जाए नेम, ठीक है, तो उसके बेस पे डॉक्यूमेंट बनाओ और फिर सेकेंड पार्ट आप स्पाइस बी पार्ट डी भरो, ठीक है, और फिर इसे अपलोड करो। दूसरा प्रोसेस है कि हम श्योर हैं कि मुझे ये नाम मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है, हमने जो डॉक्यूमेंट बनाने थे और जो डॉक्यूमेंट लगाने थे वो सब कुछ प्रिपेयर कर लिए हैं और हम अब इसी फॉर्म्स के थ्रू डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, ठीक है। हम नेम पहले रिजर्वेशन नहीं ले रहे, हम डायरेक्टली कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए ही अप्लाई करेंगे। दोनों में फर्क बस ये है, पहले वाले में आपको 1000 रुपीज की एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगी, पहले वाले में नेम रिजर्वेशन पहले ले रहे हो फिर इनकॉर्पोरेशन अप्लाई करेंगे, दूसरे वाले में आपको 1000 रुपीज की कॉस्ट कम पड़ेगी, क्लियर है? यस सर, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ अगर नेम अप्रूवल लेना चाह रहे हैं तो हम ये वाला बटन पे क्लिक करेंगे सबमिट फॉर नेम रिजर्वेशन, और हम चाह रहे हैं कि हम साथ में ही कंपनी इनकॉर्पोरेशन भी अप्लाई कर दे, ठीक है, तो प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन करेंगे, ओके। तो अभी हम नेम अप्रूवल ले रहे हैं तो हम सबमिट फॉर नेम रिजर्वेशन करते हैं। सर मुझे एक डाउट था, जैसे आपने बताया कि पहली बार में दिक्कत आई थी कि आपका एक बार अप्रूव हो गया था लेकिन एसआरएन के कारण कंपनी रजिस्टर नहीं हो पाई, तो आपके पास अप्रूवल का लेटर था, आपने वो लगाया, तो सर वो कहाँ लगाते हैं? वो बताओ पर ये कर ले कंप्लीट। हाँ, अगर दोबारा नेम ले रहे हो ना तो जो चूज फाइल का ऑप्शन था ना जिसमें हम ऑब्जेक्ट लगा रहे उसी के नीचे लगा दो, उसमें और ऑप्शन आ सकते हैं? नहीं, ऑप्शन नहीं आएगा, उसी डॉक्यूमेंट में ऐड करो ना डॉक्यूमेंट्स को। अच्छा सर, पीडीएफ एक ही बना रहे हैं दोनों, पीडीएफ एक बनाओ, उसके नीचे अपनी क्लैरिफिकेशन लगानी है, क्लैरिफिकेशन लगाओ, कुछ और भी लगाना है आपको, अपना लेटर लगाना है अप्रूवल की, भाई हमने चेक किया है ये डेटाबेस है, ये सब कुछ चेक कर लिया है, ठीक है। कोई अगर पार्टी ने अपोज किसी पार्टी का सब्जेक्टेड टू ट्रेडमार्क है, ठीक है, तो उससे अगर आपने एनओसी ले रखा है, ठीक है, तो वो एनओसी के लेवल में उन
चूज फाइल वाले डॉक्यूमेंट में ही सारे चीजें एक वन बाई वन वन बाई वन एक पर अटैक कर दो और उसी फाइल को अपलोड करो, सिंगल फाइल। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे पहुंच गया हमारा SRM जनरेट हो गया। ठीक है, अभी समय 1000 rupees की फीस पे कर दी, तो पे नाउ पे बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको जो मोड्स आपको चीजें वो मोड आप सिलेक्ट करते हो, फिर उसके बाद अपना बैंक सिलेक्ट करते हैं, सबमिट करेंगे। यहाँ पे लेटर का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आई एक्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद लॉग इन करने के बाद आप डाल दो जो भी आपको रिमार्क डालना है अपने बैंक में। ठीक है, और यहाँ से पे करो। आपको पता है पेमेंट में हमेशा OTP जाता है 90% केस में। 5 1 1 4 3 4। ठीक है, पेमेंट सक्सेसफुल होगी, अपने आप बैंक पे रूट, बैंक के थ्रू MCA के वेबसाइट पे रूट करेगा, आपका यहाँ पे SRN जनरेट। ठीक है, मोबाइल का पेमेंट रिसीप्ट इज बीइंग जनरेटेड। ठीक है, कभी कभी होती है आपकी पेमेंट रिसीप्ट जनरेट नहीं हो पाती। ठीक है, तो बस आपको अपना SRN निकालना है और उसे फिर आप वहां से करते हो, वो हम प्रोसेस जानबूझ के करेंगे, एक बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं ICICI से पेमेंट करता हूँ तो हो जाता है सक्सेस, SBI से करते हैं तो अटक जाता है। सर इसका मेल भी आता है ना सर, जो मेल दिया रहता है उसपे SRN का? SRN का मेल नहीं आता, नहीं आता सर। ठीक है, ये जब हम कोई फाइल अपलोड करते हैं ना, ये सर ये तो आता है, ऐसे नहीं आता। इसे आप कॉपी करके आप या फिर इसको डाउनलोड करके SRN को रख लो। ठीक है, सर एक बार मेरी ये रिसिप्ट मिस हो गई थी तो फिर से दोबारा डाउनलोड नहीं होती है रिसिप्ट पेमेंट की? नहीं, हो जाती है, 50 rupees से नहीं होती जी। जल्दी अपनी रिसिप्ट को संभाल के रखा करो, फिर भी हो जाती है, बता तो कैसे। ठीक है, ये मैंने सेव करके रख दिया, इसे मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, और ये आपका SRN ऐसे है यहाँ पे देखो 433। अब मैं इसे जाके स्पाइस प्लस में जाके चेक करूंगा, लीव कर दूंगा, स्पाइस प्लस में जाऊंगा, यहाँ पे एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में देखो ये देख लेंगे। ठीक है, यस सर। ठीक है, मैंने ये नेम अप्लाई किया, इसे ओपन करोगे ये आ रहा है पेंडिंग इन क्यू जी। ठीक है, अगर आपका SRN किसी वजह से मिस हो गया तो आप ट्रैक SRN का इस्तेमाल करोगे, MCA सर्विस में जाओगे, फिर ट्रैक SRN ट्रांजैक्शन स्टेटस, फिर आप यहाँ पे डेट सिलेक्ट करोगे अपनी, कोई भी 7 days, मैक्सिमम 7 days का गैप होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने 25 तारीख से लेके 26 तारीख से लेके सबमिट किया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखो आ रहा है इससे SRN का स्टेटस क्या है, ये पेड है और पेंडिंग फॉर अप्रूवल है। तो मुझे इसकी अगर कॉपी चाहिए तो मैं इसको कॉपी करूंगा, इस SRN को मैं नोट कर लूंगा या कॉपी करूंगा, फिर MCA सर्विस में जाऊंगा और ट्रैक पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करूंगा। यस सर। ठीक है, यस सर। और यहाँ पे इस SRN को पेस्ट कर देता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पे आ जाता है पेड, जिसे पेमेंट स्टेटस पेड योर चलान। यस सर, ये मेरा चलान निकल गया जी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी लिखा होगा आपने किस कंपनी के लिए अप्लाई किया है, किस चीज के लिए, ये MCA में ये उसके लिए नहीं आता। ठीक है, जब हम रिजर्वेशन नेम और रिजर्वेशन करेंगे तो यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा होगा कि आपने किस कंपनी के लिए किया, बस ये लिख के आएगा फॉर द कंपनी। यस सर। ठीक है, समझ गए जी सर। अब कोई क्वेरी है किसी की? सर एक क्लाइंट थे मेरे सर, वो पूछने लग गए थे कि यहाँ पे तो कहीं भी मेरी कंपनी का नाम नहीं आ रहा है, मैं कैसे मान लूं कि आपने मेरी कंपनी के लिए ये अप्लाई किया है? उसका नेम अप्रूव हो गया? सर अप्रूव भी हो गया था, बट वो यही बोल रहे थे कि तो बोलो, मेरी नेम अप्रूव हो गया है तो आप मत करो, फिर उसको ना आप इसका स्क्रीनशॉट भेज दो, स्पाइस में जाओ। ठीक है, एग्जिस्टिंग में जाके आप बोलो भाई देखो आपका जो डेट ऑफ चलान आ रहा है ना, ठीक है, वो मेरा हमने फॉर्म अपलोड किया। ठीक है, और ये इसका SRN जी, समझ गए
उसको बिलीव कैसे कराने में समझा दिया, पहले तो आप चालान डाउनलोड कर सर लो। ये तो मैंने बता दिया था, लेकिन वो पर्टिकुलर वही कह रहे थे कि मेरी कंपनी के नाम के हिसाब से रिसिप्ट बताओ। वही तो बता रहा हूँ ना आपको, जी आपके पास एसआरएन आ गया, यस सर, आपको एसआरएन आया ना अभी, यस सर, ठीक है, आपने एसआरएन नोट कर लिया, एसआरएन की प्रिंट निकाल दी। अब आपको क्या करना है, एसआरएन से मैच कराना, ठीक है, कि वो एसआरएन उसी का है। तो आप क्या करोगे, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में जाओगे, ठीक है, और आपने जिसका भी अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, जैसे जी मान लो जी ये है, ठीक है, आपने ये जैसे देखो हमारा ये जिसका भी अप्लाई किया है और इस कंपनी बन गई है, इसको ओपन करो। और यहाँ पे जब ओपन करोगे आप, तो आपको ये वाला एसआरएन, यही एसआरएन वही है, सेम है, दोनों सेम है सर, जी ठीक है, ये नेम अप्लाई किया ना एसआरएन पार्ट ए का, ये एसआरएन जी और वो जो आपने डाउनलोड किया है, दोनों एसआरएन सेम होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जी और वो उसे भेज दो, भाई देख ले तेरा एसआरएन, जी सर ठीक है। जी तो एक तो ये सिंपल सा प्रोसेस था कि नेम कंपनी इनकॉर्पोरेशन कैसे करते हैं। दूसरा हमारा प्रोसेस क्या है कि हम यहाँ से न्यू कंपनी अदर में जाके पहले प्राइवेट करते हैं, फिर कंपनी लिमिटेड बाई शेयर, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, फिर मेन डिविजन 70 डाला, फिर मैं भी फटाफट कर रहा हूँ उसको, ठीक है। ये डाल दिया, फिर कंपनी का नेम डाल दिया, ठीक है, अब एक ही नेम डाल रहे हैं हम, फिर चूज फाइल करके ऑब्जेक्ट डाल दी और इसे ऑटो चेक किया, डॉक्यूमेंट ये ऑलरेडी सेव हमारा नाम है ना, इसके आगे कुछ मैं डाल अलग कर देता हूँ, सर्विसेज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि तो इस नेम से भी जस्ट हमने अप्लाई किया ना, इसलिए बोल रहा है ये अप्लाई भी उसमें नहीं है। फिर ऑटो चेक किया, ठीक है, फिर इसे हमने सेव किया, और जब इसे हम सबमिट करेंगे तो ये पूछेगा प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन, या ये तो हमने कर दिया, प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ से हम स्पाइस बी बढ़ेंगे, ठीक है, वो हम आगे अगली क्लास में सीखेंगे कंपनी इनकॉर्पोरेशन से, जी सर क्लियर है। जी नेम रिजर्वेशन से कोई रिलेटेड डाउट हो आपको, नो सर क्लियर है, एवरीथिंग, यस सर हाँ जी,